अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज मैं आई हूँ जेंट्स की शॉपिंग करने। हम लोग आए थे मोहम्मद अली रोड नाखुदा मोहल्ला, जो मस्जिद के पास वाली शॉप है, जहाँ सारे कलेक्शन से फैब्रिक से कुर्ते के बहुत अच्छी रेंज में मिल जाते। चलिए हम वीडियो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। मैं आप लोगों को सारे कुर्ते के रेट्स और फैब्रिक ज़रूर बताऊँगी। सो गाइज़, हमें यहाँ पे शॉप में या स्ट्रीट पे जो कुर्तेज लगाते हैं उसमें हमें मिल जाएंगे। पहले मैं जाऊँगी, पूरा एक्सप्लोर करूँगी मार्केट, उसके रेट्स निकालूंगी, देन उसके बाद हम लोग खरीदेंगे। तो चलिए हम जाएंगे सीधे सीधी मार्केट। अभी मैं धीरे धीरे जा रही हूँ। यहाँ पे थोड़ी बहुत लेडीज़ की शॉप पे मतलब शॉप भी है। स्पेशली ये मार्केट है जेंट्स के कुर्ते की, पर यहाँ पे कोई कोई शॉप में लेडीज़ के भी सूट्स है और ज्वेलरी है। कहीं कहीं है, पूरी मार्केट में नहीं है, ज़्यादातर यहाँ पे जेंट्स की ये मार्केट। तो सबसे पहले हम लोग एंट्री करेंगे, तो वहाँ स्टार्टिंग की शॉप्स में हमें प्राइसिंग बहुत ज़्यादा हाई मिलेगी, फ्रेमली हाई रहती है वहाँ की प्राइस, लाइक 900-1200। हम कितनी भी बार्गेनिंग कर ले, लोग लास्ट तक 500-700 तक के ही आते, उससे नीचे कम करने को तैयार ही नहीं होते। और जब हम ईद में आते हैं तो लोग और ज़्यादा ही प्राइस बढ़ा देते हैं। तो देखिए, यहाँ हम लोगों ने एक ब्राउन वाला कुर्ता पसंद किया है, उसे 900 में बोल रहे थे, हम लोग ने बार्गेनिंग करके उसे 700 में लाया है। अभी फ़िलहाल तो हम लोग ने लिया है बेसिक कुर्ता ही, और आगे भी हम लोग बेसिक ही देख रहे हैं, बिकॉज़ जो हमें अलविदा जुम्मा या बड़ी रात में पहनने काम आ जाए, जो हमारी ईद की होगी कुर्ता, वो हैवी फैब्रिक का लेंगे तो वो हम आगे की शॉप्स में देखेंगे। ओके, सो गाइस, यहाँ आप लोगों ने देख लिया है, यहाँ कपड़े 600-900 के रुपीज़ में मिल रहे थे। यहाँ पे जॉर्जेट, साटन, कॉटन, प्योर कॉटन, और कॉटन में जो मिक्स होते हैं ना, जो सारी वेराइटीज़ थी यहाँ पे, शिमर में भी था, यहाँ मैंने जैसे कि बताया बेसिक्स में भी थे, यहाँ की सारी वेराइटीज़ आप लोगों को मिल जाएंगी। लाइन्स में था, बहुत से ऑप्शन थे, यहाँ पे इम्पोर्टेड वगैरह के भी मटेरियल्स थे। तो ऐसा आप लोगों को ना बहुत सारी शॉप से मिल जाएगा। यहाँ धागा वर्क भी मिलेगा, यहाँ लखनवी वर्क भी है, बहुत सारी कुर्तीज़ मटेरियल भी आप लोगों को मिल जाएगी। सो यहाँ अभी हम लोग स्पेशली सिर्फ जेंट्स की शॉपिंग करने आए थे, लेडीज़ की शॉपिंग ऑलरेडी बहुत ज़्यादा होती है, तो हम अगली बार नेक्स्ट टाइम अकेले से आएंगे सिर्फ लेडीज़ की शॉपिंग करने। हमारी शॉपिंग यहाँ पे मुकम्मल मतलब कंप्लीट हो चुकी थी। अभी हम लोग बाहर जा रहे हैं, यहाँ खिचड़ा दिख गया, हम लोग खिचड़ा थोड़ा सा टेस्ट कर लिए, मम्मी ने टेस्ट किया, हम लोग तो खाते नहीं हैं। हम लोग यहाँ से जाएँगे थोड़ा बाहर खाना खाने। सो गाइस, आप लोगों को तो पता ही है यहाँ की शॉपिंग्स, यहाँ के फूड्स, यहाँ का खाना कितना ज़्यादा यम होता है, और यहाँ रमज़ान में कितनी ज़्यादा रौनक रहती है, कितना चहल पहल होता है, मज़ा आती है। यहाँ पे रमज़ान में शॉपिंग करने का असल मज़ा तो रात में ही होता है, दिन में इतना मज़ा नहीं आता जितना रात में मज़ा आता है। और अभी तो सारी शॉप्स बंद हो रही थी, दो दिन बाद यहाँ पे शहरी तक सारी शॉप्स खुली रहेंगी, शहरी के बाद बंद होगी। अभी तो फ़िलहाल सारी बंद हो रही थी, क्योंकि हम लोग आज कुछ 8वां रोज़ा है शायद हम लोग आए हैं, और अभी कुछ रात के 1 बज रहे हैं। हाँ, लिटरली गाइज यहाँ पर कोई बोल सकता है कि रात के 1 बज रहे हैं। यहाँ पे क्राउड देखो, यहाँ पे लोगों का क्रेज देखो खाने के लिए। और फिरनी? फिरनी 70 रुपये का एक, ये बिलेकरण है, स्ट्रॉबेरी है, क्या है बिलेकरण फिरनी। तो हम लोग यहाँ जनता होटल में जा रहे थे खाना खाने के लिए, और यहाँ हम लोगों ने ऑर्डर किया था चिकन अंगारा विद रुमाली रोटी के साथ। देखिए माशाल्लाह, यहाँ पे रमज़ान की रौनक कितनी ज़्यादा अच्छी लग रही है। यहाँ पर नकाब के भी बहुत ही ज़्यादा अच्छे कलेक्शंस होते हैं। और अभी हम लोग निकल चुके थे अपने घर के लिए, बिकॉज़ टोटली जेंट्स की शॉपिंग कंप्लीट हो गई थी, लेडीज़ की बाकी है, जो कि हम फिर आएंगे यहाँ पे, फिर आप लोगों के साथ ब्लॉग शेयर करेंगे। सो गाइस, आप लोग मुझे ज़रूर बताना आप लोगों को मेरी शॉपिंग की ब्लॉग कैसी लगी है, स्ट्रीट मार्केट की ब्लॉग कैसी लगी है, मुझे कमेंट करना। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जाइए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इंशाल्लाह मिलूंगी मैं नए वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।